सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विजय दिवस दो आज शुरू होता है। और जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कल का हमारा सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा, और हम एक नई हैबिट को शुरू कर रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग हम सभी लोग वेकअप हो और जल्दी उठे और हमारी लाइफ को जल्दी शुरू करें, क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग का समय है वो जो वेस्ट हो जाता था उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं कि उसमें भी हम कुछ अच्छी चीजें सीखें और जिससे हमारा पूरा दिन जो है बहुत अच्छा जाए, जिसमें हमें और ज्यादा एनर्जी से हम लोग काम कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर हमें जीतना है लाइफ में तो हमें कुछ चेंजेस हमारे अंदर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग जो है आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे वीडियो पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो जो कल थे वो कमिटेड है, और मुझे नहीं लगता कोई भी मिसिंग है। और सभी ने अपने आप से कमिटमेंट किए कहीं ना कहीं कि मुझे करके दिखाना है। और जो कल का हमारा सेशन था जिसमें हमने जाना कि क्यों करना है हमने, ठीक है, वेस्टीज हमने क्यों करना है, आज के समय में हमने क्या सफलता हमें चाहिए और कैसे हम पैसिव लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, हर एक को सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा कल का ये जो रिव्यू था वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कल का सेशन अच्छा लगा होगा, और उसी के साथ साथ आपने कल काम भी बहुत अच्छा किया होगा, बहुत ज्यादा फ्रेश आपका दिन गुजरा होगा। आपने सुबह जैसे हमने डिसाइड किया था आपने एक्सरसाइज भी जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो आज से हमने क्या करना है, शुरू करना है एक्सरसाइज। क्यों करना है, हमारे हेल्थ के लिए करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का जो हमारा सेशन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आज का हमारा पोस्टर मैं यहाँ पे शो करना चाहूंगी। तो आज का जो विजय दिवस है, विजय दिवस दो, जो हमें अपना खुद का स्वराज्य खड़ा करना है, बिल्ड योर ओन एम्पायर। हमें खुद का स्वराज्य मतलब हमारी सारी चीजें हमें खुद करनी है, क्योंकि उसका फीलिंग ही अलग होता है जब हम खुद किसी चीज को करते हैं। तो यहाँ पे वेस्टीज में कैसे काम किया तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यस, मुझे लगता है कि हमारी जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर रसिका मैम थोड़ी सी रोशनी जरूर डाले। और आप सभी को मैं एक बार दिल से वापस से विश करना चाहूंगी गुड मॉर्निंग, और आपका दिन ऐसे ही गुड रहे और बहुत सारी अर्निंग एक अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों को मिले। तो यस, रसिका मैम को यहाँ पे मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत ही गुड बढ़िया, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 6 बजे हम यहाँ पे है, राइट। एंड और एक चीज मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, बहुत सारे कैमरा ओपन हो रहे हैं, वीडियो कैम पे है सारे, क्योंकि हम समझते हैं कि सामने वाला जो अगर हमारे लिए 6 बजे उठ के हमें ट्रेनिंग देने आ रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट क्या है, राइट। वो चीज हम समझते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे और एक एडेड ऐसी लगी कि हर दिन हम नया कुछ सीखते हैं, राइट। आप अगर यहाँ पे दाभोलकर सर का बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत ही बढ़िया है, स्वराज्य के बैकग्राउंड में दाभोलकर सर बैठे हैं, और एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सिंहासन पे बैठे हैं। यस यस बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया दाभोलकर सर, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड सेट किया है आपने। अभी कल हम हर कोई कोशिश करेंगे कि ऐसा ही करे, राइट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हर कोई वो स्वराज्य के साचे में ढल रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के पर्वत पे सभी अपने अपने टीममेट्स को अपने अपने मराठी अपन म्हणतो मावळ्यांना, राइट, मावळ्यांना एकत्र करून जेव्हा शपथ घेतली होती, ही शपथ जेव्हा घेतली होती त्याला दुसऱ्या दिवशी काय वाटलं असेल त्यांना, की काल ठीक आहे, काल शपथ घेतली झालं, आता आता नाही जमणार आजपासून, असं काही नसेल मला वाटतंय। आणि आज 40 आपण म्हणजे आपण जो काउंट आहे आपला जो विचार करतोय तो डेफिनेटली वाढत चाललाय। याचा अर्थ कमिटमेंट घेणारी लीडरशिप आपल्याकडे आहे, आणि कमिटमेंट घेणारी लीडरशिप आहे तर नक्कीच आपण 1 लाख 2 लाख 5 लाख पर मंथचा प्लॅनिंग करू शकतो, राईट। सो खूप छान वाटतंय, आपण जास्त वेळ न घेता सुरुवात करूया। आणि मी इन्व्हाइट करते आजचे आपले ट्रेनर आणि वन अँड ओनली, तुम्हाला खूप ज्यांचं ट्रेनिंग ऐकायला आवडतं, आज आपण वेस्टेज कसं करणार आहे हे शिकणार आहोत। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम सचिन चिकाटे सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ग्रेट, आई होप सो। रसिक मैम, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? चलो पीपीटी दिखाई दे रही है, बस फुल स्क्रीन नहीं है। अभी हो गया फुल स्क्रीन? नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, पूरे स्लाइड दिख रहे हैं। एंड स्लाइड करके वापस शेयर करना पड़ेगा। हाँ
तब तक मैं सभी को म्यूट पे ये कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ. गुड गुड, एक सेकेंड. यस, सेट है. ओके ग्रेट, जोरदार तालियों के साथ सचिन सर का यहाँ पे वेलकम करते हैं. थैंक यू, थैंक यू, धमाकेदार सेशन. अब जो नॉलेज हमें चाहिए था वो अब शुरू हो रहा है कि कैसे हम बिल्ड करें, हाउ. मतलब कल हमने वाई जाना कि क्यों करना है, आज हम जानेंगे कैसे करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही जरूरी है. सो यस, मूविंग फॉरवर्ड, आप सभी लोग ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी डायरी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मॉर्निंग का जो हम लिखते हैं ना, जिन चीजों को माइंड में, पूरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और वो याद भी रहती है. तो यस, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. एंड ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच रसिका मैम, शार्दुला मैम एंड ऑल द टीम मेंबर्स. थैंक यू सो मच कि आज आपने फिर से अपना टाइम निकाल के इतने सुबह आज अब आए इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद. आई एम रियली थैंक्स अ लॉट. आई होप सो मेरी आवाज क्लियर है रसिका मैम. यस क्लियर है. चलो ग्रेट. तो जैसे कि कल हमने देखा वाई डायरेक्ट सेलिंग और वाई वेस्टीज, आज हम देखेंगे कि वेस्टीज की शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए और किसके साथ की जाए, यानी कि हाउ टू स्टार्ट वेस्टीज. अब हमेशा चलिए सॉरी टॉपिक से पहले कल भी भूल गया था, आज नहीं भूलूंगा, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम है सचिन सिकाटे, मैं बेसिकली वसई में रहता हूँ एंड वेस्टीज में मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ. और वेस्टीज से पहले मैंने कुछ कंपनीज के साथ काम किया है, जैसे कि नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वोडाफोन लिमिटेड एंड एक और अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ मैंने एज अ ट्रेनर का काम किया है. 3 साल वहां पे मैं था और अभी 3.5 साल मुझे वेस्टीज में हो गए हैं. तो लगभग अराउंड 6-7 ईयर्स का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है एज अ ट्रेनर एंड पूरी लाइफ काम करते मतलब यू नो काम चल रहा है सेल्स और ट्रेनिंग बैकग्राउंड को लेकर. सो अराउंड 6-7 ईयर्स इन सेल्स एंड 6-7 ईयर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग. चलिए ग्रेट. सो शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, किसके साथ की जाए. सबसे पहली बात, यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं या जिन्होंने वेस्टीज को अभी अभी ज्वाइन किया है, हमेशा एक चीज याद रखिए, शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए. बहुत से लोग गलती ये हो जाती है कि शुरुआत कैसे करनी है वो नहीं पता होता है, राइट, और शुरुआत कर देते हैं और फिर बाद में गलतियां होना शुरू हो जाती हैं. ट्रेनिंग मीटिंग्स नहीं अटेंड करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज नहीं गेन करते हैं और कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिंग करने चले जाते हैं. प्रोस्पेक्टिंग करने चले जाते हैं मतलब लोगों को प्लान दिखाने चले जाते हैं. तो होता क्या है कि कैसे बात करना है, कैसे इनवाइट करना है, सिस्टम क्या है कंपनी का, ये सब कुछ नहीं पता होता है. बस खाली ढूंढने जाते लोगों को. तो ये लोगों को जो है वो यू नो इट इज नॉट अबाउट सर्चिंग, ढूंढना नहीं है. ऑब्वियसली प्लान बताना, उसके लिए लिस्ट विस्ट बनानी है, ये सब बात तो सही है, बट उनको ज्वाइन करने से पहले, उनको प्लान बताने से पहले ये जान लो कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए. गड़बड़ इसी चीज में हो जाती है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, आधी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है और वही आधी नॉलेज के आधे से भी कम नॉलेज पे लोग फील्ड पे उतर जाते हैं. तो थोड़ा सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है, पहले अपने अपलाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होता है कि अपलाइन एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, कैसे प्लान दिखा रहे हैं, राइट. वेस्टीज क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम अपने अपलाइन ने हमें बताया है, राइट. अपलाइन ने क्या बताया है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा फॉलो करिए. और कभी कभार अपलाइन की भी गलती हो जाती है, वो इस प्रकार ये है कि जैसे हमें लोग मिल जाते हैं, कल से हम उनसे कहते हैं कि भाई कल से शुरू हो जा, जो मिले उसको लेके आना, बाकी मैं कर लूंगा. तो सामने वाले को लगता है कि बस लोगों को सिर्फ लाने का बिजनेस है और बाकी अपलाइन कर लेगा. तो कहीं ना कहीं जब हम ये कहते हैं कि मैं कर लूंगा तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक डाउनलाइन की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि बस मेरा काम खाली लोगों को लाके सर के पास या मैडम के पास बिठाना है
और बाकी सब अपलाइन कर लेगा। तो कहीं ना कहीं पहले दिन से ही मैंने मेरे डाउनलाइन को ये कहा है कि भाई तुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं करूंगा, तो वो वही मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़ता है। आपके छोटे छोटे वर्ड्स भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी आप किसी को भी जब शुरुआत करवाते हो एज अ अपलाइन, तो पहले ये देख लीजिए कि डाउनलाइन सच में फील्ड में एटलीस्ट उतर सकता है नहीं उतर सकता है, क्योंकि आप उसको बेहतर तरीके से जानते हो क्योंकि वो आपका डाउनलाइन है। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि पहले दिन ही हम उसको भाग मिलका भाग जो है वो बना देते हैं कि जा भाग, जितने आधार कार्ड मिले जितने लोग मिले बस खाली तरह ये काम है कि उनको मीटिंग में लेके आना है, बाकी तो सब सेट कर दूंगा मैं तेरे लिए। तो ऐसा नहीं होता है सर, हमेशा याद रखिए हर एक को अपना बिजनेस खुद ही देखना पड़ता है। अपलाइन जो है राइट, वो आपका एक गाइड है, एक कोच है, एक सपोर्ट सिस्टम है। अपलाइन आपका अपलाइन है, हेल्पलाइन नहीं है। तो बहुत से लोग अपने अपलाइन को हेल्पलाइन समझ लेते हैं, तो अपलाइन हेल्पलाइन नहीं है। वो 24/7 कोई कॉल सेंटर का नंबर नहीं है कि आप कभी भी उसको डायल करो फोन एंड वो आपका फोन उठाएगा। याद रखो अपलाइन इज अपलाइन नॉट अ हेल्पलाइन। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको करेक्ट, कि शुरुआत करने से पहले ये जान लीजिए कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए, ऑब्वियसली आज इस ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टीज में सही शुरुआत जो है वो कैसे करनी चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, कहाँ से की जाए, किसके साथ की जाए। तो देखिए शुरुआत आप कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी कर सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति, या तो वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो, या तो हमारे साथ ज्वाइन होने की क्षमता रखता हो, या तो ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड हो, राइट। याद रखिए एक कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी कोई ऐसा जो हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो, या तो फिर इस अवसर का हिस्सा बनने के मतलब हमारे साथ नेटवर्क ज्वाइन करके एंड देन टीम बना के और काम करने के लिए अगर वो इच्छित है तो उसको उसके साथ हम जो है काम कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे ये पॉइंट मैंने कहा है, बाली सर ने वो लिखा है राइट। सो हमें शुरुआत तब करनी चाहिए जब हम वेस्टीज बिजनेस को शुरुआत कैसे की जाए के बारे में जानकारी हासिल कर ले। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि शुरुआत करने से पहले शुरुआत कैसे की जाए उसकी जानकारी हासिल कर ले, करेक्ट। तो कैसे की जाती है वेस्टीज में शुरुआत, राइट। तो सबसे बड़ी चीज जो है, कंपनी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम 7 steps कहते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो है क्या। सही चीज को अगर पाना है या हासिल करना है तो सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वेस्टीज में बहुत से लोग सफल हुए हैं सिस्टम को फॉलो करके। तो क्या है वेस्टीज सिस्टम, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सिस्टम फॉलो करना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार हम बिना सिस्टम फॉलो करे ही, बिना प्रणाली को फॉलो करे ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, और कुछ हद तक आप आगे बढ़ते भी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अपना खुद का सिस्टम बना लेते हैं, राइट। कुछ हद तक आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपको पता है आपका पोटेंशियल क्या है, आपको पता है कि आप कितना काम कर सकते हो। बट जरूरी नहीं है ना कि मैं जितना काम करता हूं उतने मेरे नीचे जो लोग हैं वो भी उतना काम करे, मेरे डाउनलाइंस में भी लोग उतना काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक पर्टिकुलर जब एक सिस्टम कंपनी ने बनाया होता है, राइट, एक पर्टिकुलर सिस्टम कंपनी ने जब बनाया होता है तो वो बनाया इसलिए ताकि लोग उसको फॉलो करें, और वो सिस्टम सफल सिस्टम है। सफल सिस्टम इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग उस सिस्टम को फॉलो करके कामयाब हुए। तो याद रखिए वेस्टीज में कोई भी इंसान अगर सिस्टम से हटकर अगर वो काम करता है तो आगे जाके कहीं ना कहीं अटकना ही है। तो बेहतर ये है कि जो रास्ता ऑलरेडी सफल लोगों ने बनाकर दिया है वही रास्तों पे चलोगे, जो आपका अपलाइन आपसे कह रहा है उसके बाद सुनोगे मानोगे उसके हिसाब से चलोगे, राइट। तो जल्दी जल्दी सफलता पाओगे वेस्टीज में। बट अगर खुद का दिमाग लगाने जाओगे, अपने हिसाब से करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो आपकी बहुत स्लो होगी, और कहीं ना कहीं उसके बाद एक इंसान एक हद तक सहन करता है उसके बाद कंटाल के छोड़ देता है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, ये शुरुआत के लिए ये सबसे बहुत जरूरी चीज है, राइट। और आगे बढ़ते हुए जस्ट वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन ऑब्वियसली 7 steps है,
राइट, लेकिन सेवन स्टेप से पहले मैं चाहता हूँ कि इन चीजों पे जो है वो गौर करे, यानी कि वेस्टीज में जो एजुकेशन सिस्टम है वो आप कोशिश कीजिए पहले तो डुप्लीकेट करे, जो अपलाइन कर रहा है उसको डुप्लीकेट करे, एंड वो एंश्योर करे कि वो डाउनलाइन से मल्टीप्लाई हो। तो वेस्टीज में सफलता आती है डुप्लीकेशन करने से और ये देखने से कि वो मेरे डाउनलाइंस पर मल्टीप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब डुप्लीकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, इसका एक छोटा सा डेमो करेंगे हम लोग, क्योंकि सिंपल है, वेस्टीज में अगर सफल होना है तो अपलाइन को कॉपी करना है, और कौन से अपलाइन को कॉपी करना है, एक सफल अपलाइन को कॉपी करना है, ठीक है। अब आई होप सो कि सभी लोग बैठे हैं तो डायरी और पेन लेके बैठे हैं, राइट। तो एक छोटी सी चीज मैं चाहूंगा, अब मान लीजिए मैं आपका अपलाइन हूँ एग्जाम्पल, और वेस्टीज में आपको तभी सफलता मिलेगी जो अपलाइन जो कह रहा है उसकी आप बात मानो और फॉलो करो, राइट। तो अभी मैं आपका अपलाइन हूँ, मैं आपको कुछ लिखने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं सभी चाहूंगा कि एक डायरी और पेन अगर आपने नहीं लिए तो एक बार जल्द से जल्द उसको ले लीजिए, राइट। एक छोटी सी दो तीन लाइन लिखनी है जो मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट, और जो मैं बोलूंगा वैसा ही आपको लिखना है, करेक्ट। तो जल्द से जल्द लिखिए, राइट। आई होप सो डायरी और पेन आप लोगों ने ली है, नहीं ली है तो मन में लिखिएगा, अपने माइंड में जो मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो लिखना है आपको, शुरू करना है, पहले लिखिए मेरे पिताजी, राइट, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, जिसको मराठी में लिखना है मराठी में लिख सकते हैं। मेरे पिताजी, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, दो तीन लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी का नाम मोहन है और मोहन जी बहुत मेहनती इंसान है। तो लिखिएगा ऐसा पूरा कंप्लीट लाइन, मेरे पिताजी का नाम मोहन है और मोहन बहुत ही मेहनती इंसान है, ठीक है। आई होप सो कि आपने लिखा होगा, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे वीडियो देख नहीं पा रहा हूँ, एनीवेज चलो देखता हूँ। हाँ, कितने लोगों ने पूरा सही लिखा है कि मेरे पिताजी का नाम मोहन है और मोहन बहुत ही मेहनती इंसान है, कितने लोगों ने लिखा है ये सेम टू सेम सही लाइन, राइट। अब जितने भी लोगों ने लिखा है कि मेरे पिताजी का नाम मोहन है, अगर आपके पिताजी का नाम मोहन है और आपने वो लिखा है तो बिल्कुल सही है, बट अगर आपके पिताजी का नाम कुछ और है और आपने मोहन लिखा है तो आपने गलत डुप्लीकेशन किया है। लेकिन सर अभी तो सचिन सर आपने कहा था कि अपलाइन को फॉलो करना है, अपलाइन जो कहेगा वो आपको चीजें देखनी है। सॉरी, मेरा जो बैटरी जो है लैपटॉप को मैंने चार्जर कनेक्ट नहीं किया। एनीवेज, तो जिसने भी लिखा है कि मोहन नाम है, राइट, तो उसने कॉपी तो किया है बट गलत कॉपी किया है। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी जस्ट वन मिनट, मेरा चार्जर आज मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करना भूल गया था। बहुत से लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते रहेंगे कि एक तो पहले लोग बोलते हैं वेस्टीज में अपलाइन जो कह रहा है उसके बात मानो, और उसके बाद अभी सचिन सर कुछ अलग ही एग्जांपल दे रहे, राइट, पिताजी का नाम चेंज करवा रहे हमारे तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभार वेस्टीज में लोग गलत डुप्लीकेशन कर लेते हैं, और लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि सही चीज कौन सी है गलत चीज कौन सी है? तो जितना आप ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करोगे, जितना आप फील्ड पे काम करोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, राइट। जस्ट गिव मी एक सेकेंड, मैं अपना प्रेजेंटेशन फिर से चालू कर देता हूँ। तो पहली सबसे चीज हमेशा याद रखिए, वेस्टीज में, राइट, इन वेस्टीज याद रखिए राइट डुप्लीकेशन करना है,
और अगर आप राइट डुप्लीकेशन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, आप सही चीज को फॉलो नहीं करोगे। मतलब कभी कभार हो सकता है ना ऐसा कि यार मेरा अपलाइन जिसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मान लो कहीं ना कहीं अगर वो किसी और कंपनी में चला गया, राइट, या कहीं ना कहीं मान लीजिए वो सुसाइड करने जा रहा है, तो मैं थोड़ी ना जाऊंगा उसके साथ, है कि नहीं, तो वो टाइम पे तो मैं कॉपी नहीं करूंगा, राइट। तो हमेशा याद रखिए इन वेस्टीज अगर सही सिस्टम के साथ काम करना है, राइट, और राइट डुप्लीकेशन करना है, क्योंकि जब आप सही चीज जब आप डुप्लीकेट करोगे तभी वो सही चीज आपके डाउनलाइंस में भी जो है वो मल्टीप्लाई होगी। अगर आप गलत चीज डुप्लीकेट कर रहे हो तो फिर बाद में गलत ही चीजें जो है आपके डाउनलाइंस भी वही सीखेंगे, क्योंकि बिजनेस है डुप्लीकेशन का और मल्टीप्लीकेशन का। हमेशा याद रखिए जो आप करोगे वही आपकी डाउनलाइंस भी वही करेगी। लोग इस बिजनेस में आपको सुनते कम है, आपके एक्शंस को ज्यादा देखते कि आप क्या कर रहे हो, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो जितने भी लोगों ने मोहन नाम लिखा है उसको कट करके अपने पिताजी का नाम जो है वो लिख लो। तो कॉपी करोगे तो सही चीज कॉपी करना हमेशा। एग्जाम में आप लोगों ने कभी ना कभी स्कूल और कॉलेजेस में अपने कॉपी करी होगी, राइट, करेक्ट, कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज में कॉपी की होगी, और आपने जो आपको जो पता होगा कि सामने वाले ने गलत आंसर लिखा है तो आप उसको बताओगे ना कि भाई ये गलत आंसर है। सामने वाला आपको पूछेगा कि भाई तुझे कैसे पता, तो आप बोलोगे कि भाई ये मैंने चिट्ठी इसके लेकर आई है जो मेरी पॉकेट में, वहां उससे देख के मैंने तुझे बताया कि जो तूने लिखा है वो गलत है। तो सामने वाले ने अगर गलत लिखा है तो आप थोड़ी ना गलत चीज कॉपी करोगे, नहीं करोगे ना। तो वैसे ही सेम चीज है वेस्टीज में, राइट डुप्लीकेशन इज मस्ट। रसिका मैम देखो मैं फिर से ज्वाइन हो गया हूँ लैपटॉप से, एक बार मुझे उस पर फिर से कोर्स बना दीजिए ताकि मैं अपना स्क्रीन जो है वो मैं शेयर करूँ। यस यस, गुड गुड, दाढ़ी मेरी बहुत बढ़ गई है। एनीवे एक मिनट, कोर्स बना दिया है? बना दिया? यस। नहीं नहीं शेयर नहीं हो रहा अभी भी। हाँ हो गया, हाँ हो गया, परफेक्ट, यस, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, ये दो बार करना पड़ता है। ओके ठीक है, तो शुरुआत जब आप करोगे तो हमेशा याद रखिए सही चीज को डुप्लीकेट करना है, राइट, ओके, चलिए ग्रेट। तो आगे हम बढ़ते हुए मैं बताऊंगा कि वेस्टीज जो सेवन स्टेप्स है, जैसे इंद्रधनुष में सात रंग है वैसे वेस्टीज के सिस्टम में सेवन स्टेप्स है, राइट। तो पहला जो है वो है यूज द प्रोडक्ट। अब वेस्टीज में प्रोडक्ट रेंज तो आप सभी को पता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि हमारे लीडर्स यानी कि उसमें सभी वेस्टीजियंस आ गए, राइट, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग जो है सिर्फ 100 PV तक सीमित है, राइट, कि मैं 100 PV की कंसिस्टेंसी करूंगा, 5वें महीने 2500 के प्रोडक्ट मिलेंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है, कंपनी ने स्कीम रखी है। बट मैंने नोटिस किया कि 100 PV होने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, मान लीजिए डिओड्रेंट, मैंने देखा है कि लोग कहीं अदर ब्रांड का भी इस्तेमाल करते हैं। एक चीज याद रखिए, आप सब लोग एक व्यापारी लोग हो, आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन हो, आपका अगर कोई प्रोडक्ट वेस्टीज में मिल रहा है, राइट, बट आप उसको नहीं इस्तेमाल करके अगर आप बाहर से अगर आप ला रहे हो जस्ट बिकॉज 100 PV करना था, 100 PV हो गया, तो कहीं ना कहीं यहीं से ही असफलता की शुरुआत हो जाती है और आगे चल के सफल होना बहुत मुश्किल है। पर हमारे एक बहुत बड़े लीडर है, उनके लड़के की जब शादी हुई थी तो उनकी बहू ने ये हमारा टूथपेस्ट देखा था डेंट अश्योर का, और होता है ना बहुत से लोगों को कि नहीं उनको एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट ही पसंद आता है जो वो पहले से यूज कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई टूथपेस्ट नहीं पसंद आता है। तो उन्होंने जाके अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये टूथपेस्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरा वाला ही ला कर दो आप मेडिकल से। तो ऐसा हुआ कि जब उनके ससुर जी को जब बात पता चली
कि बहू जो है वो टूथपेस्ट बदलने की बात कर रही है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं मैं बदल के दे सकता हूँ, लेकिन ये जो घर है, ये जिस मर्सिडीज में आप घूम रहे हो, राइट, ये जो आलिशान सा जो बंगला है, ये इसी टूथपेस्ट की वजह से आई है। अगर आप चाहती हो कि ये सब रहे हमारे पास, तो ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, बाहर से मैं दूसरा टूथपेस्ट ला के मंगाता हूँ। तो मैडम ऑब्वियसली जो टूथपेस्ट घर पे रखा था डेंटेश्वर, उसी से ही आज ब्रश कर रहे हैं, राइट। हर एक छोटी चीज पे ऊपर सर फोकस करना है, आप एक बिजनेसमैन हो, अगर एक प्रोडक्ट जो वेस्टीज में मिल रहा है अगर उसका रिप्लेसमेंट अगर आप बाहर से ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के साथ गलत कर रहे हो, आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो यूज मैक्सिमम प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने आपको वेस्टीज में जितने भी 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है वो हर महीने खरीदने हैं, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, एक डिओड्रेंट अगर वेस्टीज में मिल रहा है तो वेस्टीज का इस्तेमाल कीजिए। कल भी मैंने ये कहा था क्या चल रहा है वाला डिओड्रेंट आपके घर को कभी चला नहीं पाएगा, बट वेस्टीज का डिओड्रेंट आपके घर को चला भी पाएगा और नया घर बनवा के भी दे पाएगा। और दुनिया में कौन सा भी डिओड्रेंट लगा लो, लड़की आवाज में नहीं आती है, करेक्ट, चाहे वो वेस्टीज का हो या किसी और ब्रांड का हो, बट वेस्टीज का डिओड्रेंट लगा लगा के जितने भी यहाँ पे यूथ है, अगर एक अच्छी गाड़ी में घूमते हो, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो वो जो एडवर्टाइज में जो बताया था ना लड़कियां करीब आ जाती है 4-5 एक साथ, तो शायद यहाँ पे वो पॉसिबल है। आई डोंट नो 4 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी, वो आपके ऊपर है वो मेरे ऊपर नहीं है, राइट। उसकी ट्रेनिंग मैं नहीं दे सकता अभी, आई मीन उसकी ट्रेनिंग मैं देता ही नहीं हूँ। चलो ग्रेट, तो हमेशा याद रखिए, बी लॉयल टू योर सेल्फ, हमेशा अपने बिजनेस के साथ ईमानदार रहिए, हमेशा अपनी कंपनी के साथ ईमानदार रहिए, करेक्ट। तो शुरुआत जब आप करोगे तो यूज द प्रोडक्ट, सबसे पहली चीज है वेस्टीज में यही है। और इनफैक्ट अगर मान लीजिए अगर कल आपके नीचे कोई एक व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, राइट, उसके साथ तभी काम करना है जब वो प्रोडक्ट खरीदे, तो पहला काम उससे यही करवाना है कि पहले यूज द प्रोडक्ट, क्योंकि बिजनेस ही प्रोडक्ट का है, बिजनेस ही पीवी का है। प्रोडक्ट जितना खरीदते हो, जितना इस्तेमाल करते हो, उतना पीवी मिलता है, और जितना पीवी मिलता है उतना बिजनेस बढ़ता है। हमेशा याद रखिए आपका मेन फोकस होना चाहिए कि पीवी कहां से मिलता है, राइट, पीवी कहां से आएगा। तो ये चीज पे हमेशा आपको ध्यान देना है एज अ बिजनेसमैन कि पीवी कितना मैं और जमा कर सकता हूँ, कितना और मैं पीवी कर सकता हूँ। ये बिजनेस सिर्फ 100 पीवी का नहीं है, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो, हर जगह 100 पीवी, राइट, क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं। अगर आप हर एक चीज वेस्टीज से जब आप खरीदते हो, जैसे कि दादी पोछने का जो हमारा लिक्विड है, अल्ट्रा स्वैब है, राइट, अल्ट्रा वॉश है, बराबर, ये सारी चीजें, जैसे कि हमारा जो बर्तन धोने का जो लिक्विड है, राइट, हाईवेस अल्ट्रा शील्ड है, अल्ट्रा गार्ड है, प्रोटेक्ट है, ये सैनिटाइजर जो मैंने लगा के रखा है डीपी, राइट, करेक्ट, ये सारी चीजें जब आती है, डिटर्जेंट पाउडर है, हमारी कॉफी है, हमारी चाय है, ये सभी चीज अगर आप लाते हो तो आपको एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कितना पीवी होता है। तो कम से कम जो सारी बेसिक चीजें जो हर एक घर को लगती है उतना तो एटलीस्ट आप परचेस कर सकते हो। तो ये 100 पीवी के कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ो और, राइट, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करें। तो ये चीज है पहला कदम, यूज द प्रोडक्ट, ये वेस्टीज का सबसे पहला स्टेप है। आपके नीचे अगर कोई ज्वाइन करता है तो सबसे पहला स्टेप उससे यही करवाना है कि भाई पहले यूज द प्रोडक्ट। अब कितने का यूज द प्रोडक्ट करवाना है, देखिए आप एक व्यापारी हो, आप चाहोगे डेफिनेटली कि आपका फायदा हो, बट हमारे वेस्टीज में हम ये चाहते हैं कि पहले मेरे डाउनलाइन का फायदा हो, क्योंकि जैसे ही डाउनलाइन का फायदा होता है वैसे हमारा फायदा जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप व्यापारी हो, किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, कोशिश कीजिएगा फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, फास्ट स्टार्ट 8%, राइट। फास्ट स्टार्ट 8% के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर फास्ट स्टार्ट 8 से अगर आप ज्वाइनिंग करवाते हो तो कहीं ना कहीं वाउचर्स आते हैं, राइट, 5% का एक सीधा लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली पार करके सीधा फास्ट स्टार्ट 8 तक जाता है, राइट। कोशिश कीजिएगा कि फास्ट स्टार्ट 8% से ज्वाइन करवाए, अकेले या तो टीम वर्क से, वो डिपेंड करता है वो बंदा कैसा है काम करने में, उसके हिसाब से 282 पीवी या उससे ज्यादा किसी भी एक सिंगल मंथ में हो जाने चाहिए, फास्ट स्टार्ट 8% वो हो जाएगा, राइट।
तो फास्टा 8% का क्राइटेरिया जिसको नहीं पता एक बार रस्तिका मैडम से पूछ लो या मुझे भी फोन करके आप पूछ सकते हो, करेक्ट, डिटेल में अगर उसको जानना है तो। बट कोशिश कीजिएगा फास्टा 8% या ज्यादा। बट हमेशा याद रखिए एक और चीज आपके बैक ऑफ द माइंड चलनी थी कि क्षमता के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अगर उसके पास जेन्युइनली ज्यादा पैसे नहीं है और अब मैं उसको फास्टर डायरेक्टर बनाने की कोशिश करूंगा तो वो कहीं ना कहीं से कुछ भी करके फास्टर डायरेक्टर तो बन जाएगा लेकिन आगे चल के वो काम नहीं करेगा। तो बेहतर ये है कि मैं क्षमता के हिसाब से करूं। बट एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप एक व्यापारी भी हो, बट बिजनेस में हमेशा याद रखिए व्यवहार पहले बनाना है, क्योंकि जब आप व्यवहार बना के रखोगे तब एक ना एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। तो रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस करते हैं, ओके, एंड यूज द प्रोडक्ट एंड प्लीज 100 टीवी से भी आगे आप टीवी कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा कदम है शेयर द प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, पहले भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, राइट। पहले हम ऐसे ब्रांड इस्तेमाल कर रहे थे जो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करने की फीलिंग देते थे, आज हम ऐसे ब्रांड ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे घर पे पैसे भी लाकर देते हैं। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एक यहाँ पे एक और चीज मैंने कहीं ना कहीं वेस्टीज में सबसे बढ़िया चीज मैंने ये देखी है कि ज्वाइनिंग रेशियो तो बहुत हमारा बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट इतने सारी ज्वाइनिंग्स मैंने किसी और कंपनी में होते हुए नहीं देखे, पर डे या पर मंथ जितनी ज्वाइनिंग वेस्टीज में होती है। तो वंडरफुल जॉब, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं हमारे यहाँ के लोग। बट कहीं ना कहीं मैंने एक चीज देखा है कि कस्टमर बेस थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस कम है। कस्टमर बेस मतलब ऐसे लोग कि जो नेटवर्क नहीं बनाना चाहते बट मेरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं हर महीने। और आज वेस्टीज के पास इतने वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट है कि मैं कम से कम 25 ऐसे कस्टमर ढूंढ सकता हूँ जो हर महीने एटलीस्ट 100 टीवी तो भी करके दे, 25 कस्टमर, राइट, 100 पीवी, तो मेरे 2,500 पीवी तो मेरे वही हो जाते हैं। तो मेरा जो साइड मेंटेनेंस का जो लफड़ा होता है या जो भी चीज है वो मैं उसमें से सॉर्ट आउट कर सकता हूं। याद रखिए 25 कस्टमर्स तो एटलीस्ट आप बना सकते हो ऐसे जो प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ ऑर्डर करे, बाकी नेटवर्क का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज आपको सब समझनी है, इस पे थोड़ा फोकस करना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट हमारा हर बार फोकस ये होता है जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं या किसी को मीटिंग में बुलाते हैं या किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारा एक ही फोकस होता है ज्वाइनिंग के ऊपर। और यहाँ पे भी हमारी गलती हो जाती है, पहले नीड आइडेंटिफाई करो कि वो चाहता क्या है। आपको एज अ बिजनेसमैन ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट के लिए मैं उसको पहले प्रोडक्ट से पिच करूं या उसको मैं पहले प्लान से पिच करूं, ये भी थोड़ा सा सर नोटिस कीजिएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति है हस्बैंड वाइफ दोनों अगर मान लीजिए आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट, सुबह से शाम बिजी रहते हैं, लैपटॉप में घुसे पड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि यार इनको अगर मैं और एक बिजनेस बताऊंगा तो शायद आई डोंट नो वेदर वो इतना जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, दोनों घर से बाहर है, दोनों कंटिन्यूसली बिजी है। तो हो सकता है कि अगर दोनों अगर इतने अच्छे आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मेरा एयर प्यूरिफायर तो ले ही सकते हैं, क्योंकि वाटर प्यूरिफायर मोस्टली बहुत लोगों के घर पे होगा वाटर प्यूरिफायर, लेकिन एयर प्यूरिफायर बहुत लोगों के घर पे है ही नहीं। आपके सोसाइटी में देख लो कितने परसेंट लोगों के पास एयर प्यूरिफायर है, और एयर प्यूरिफायर सबसे जरूरी चीज है। तो कहीं ना कहीं उसके एयर प्यूरिफायर की ट्रेनिंग अटेंड करके नॉलेज लेकर कहीं ना कहीं से न्यूज पेपर से आर्टिकल कलेक्ट करके, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि बाहर के पोल्यूशन से ज्यादा घर के अंदर का पोल्यूशन हमारे लिए हानिकारक है, बाहर के पोल्यूशन से ज्यादा, राइट, घर के अंदर का पोल्यूशन हमारे लिए हानिकारक है। और जब कोई रात को अगर एसी लगा के सोता है तो फुल पोल्यूशन में सोता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है, इसमें थोड़ा डेटा निकालिए इंटरनेट से, उसका प्रिंट लीजिए, राइट, एक छोटी सी फाइल आती है ट्रांसपेरेंट, वो तैयार कीजिए, उसके अंदर डालिए वो पेपर को, ताकि आप किसी को बताओगे तो ये कि सर मुझे भी नहीं पता था
कि एयर प्यूरिफायर इतना जरूरी है, राइट? बट ये सब देखने के बाद पर मुझे पता चला सर आज हमारे घर पे जो है बच्चे हैं, हमारे घर पे बुजुर्ग लोग हैं, कहीं ना कहीं सोचिए कि कितने कंटामिनेशन उनके बॉडी में जाते रहेंगे। बस तो ये चीज हमेशा याद रखनी है सर, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट ज्वाइनिंग, राइट? ज्वाइन तो करना ही है, बट नीड के हिसाब से देखिए कि सामने वाला किस चीज के लिए तैयार है। क्योंकि एक बार जब मेरा उससे रिश्ता जुड़ जाता है तो धीरे धीरे बाद में मैं उसका प्लान के लिए भी अप्रोच कर सकता हूँ। एयर प्यूरिफायर अगर उन्होंने रिटेल कर दिया, रिलेशन बना लिया, तभी अगर मेरे घर पे कुछ रहा तो उनको इनवाइट कर दिया कि सर मैम आप मेरे प्रिविलेज, आप मेरे स्पेशल कस्टमर हो, आपको तो आना ही है, राइट? रिलेशन बढ़ जाता है, और जैसे ही रिलेशन बढ़ जाता है आप प्लान के लिए भी उनको पूछ सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ रहेगा आपके साथ कि आपने सिर्फ इतना बोला होगा कि देख दोस्त मेरे ऊपर भरोसा है ना, तो एक बार इसमें आ जा, ज्वाइन कर ले, राइट? और फिर देख क्या होता है। इतना बोलने पे भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि आपके साथ रिलेशन अच्छा, आपके ऊपर भरोसा ज्यादा अच्छा है। तो ये दो चीज हमेशा याद रखिए, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। एंड ये बहुत सिंपल काम है सर, शेयर द प्रोडक्ट। ये मत सोचिएगा कि आपने कभी नहीं किया है, आप बचपन से ये चीज करते आ रहे हो, राइट? कभी खांसी हुई थी, एक कफ सिरप आपने इस्तेमाल किया होगा जैसे मैंने कल कहा था, राइट? वो कफ सिरप आपको अच्छा लगा होगा, उससे आपकी खांसी कफ एक ही दिन में या एक शाम में ही सीधा जो है गायब हो गई रहेगी, जो खांसी या जो कफ है वो। वही कफ सिरप आपने किसी और को भी रिकमेंड किया होगा, तो वो आपने क्या किया, शेयर द कफ सिरप, यानी कि शेयर द प्रोडक्ट किया आपने। बस वो कफ सिरप शेयर करने पे आपको पैसे नहीं मिले, राइट? बहुत सी चीजें आप कहीं ना कहीं शेयर करते हो। एक अच्छी वेब सीरीज देख ली आपने नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पे, तो अगर अच्छा लगा तो वो भी आप शेयर करते हो। कॉलेज, यहाँ पे यूथ जितने भी स्टूडेंट्स है, राइट? एक मान लो बराबर आपने किया भी होगा ये चीज, पता नहीं, मैंने तो किया है मेरे दोस्तों के लिए। बहुत यार मुझे लगता है तेरे लिए ना वो लाल वाली बहुत अच्छी रहेगी, राइट? देख ले एक बार। तो मैंने क्या किया, शेयर द प्रोडक्ट, राइट? हाँ, हालांकि वो एक केस में पहले यूज द प्रोडक्ट नहीं था, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं बचपन से जो है वो मैं शेयर करते ही आ रहे, सारी चीजें हम शेयर करते आ रहे, राइट? रेकमेंड करते आ रहे। नेटवर्क मार्केटिंग भी वही एक चीज है, रेकमेंड करना, शेयर करना, करेक्ट? तो ये चीज आपको तो पूछनी है, पहले तो कस्टमर बेस बनाइए, इसके ऊपर फोकस करिए। ज्वाइनिंग तो होती रहेगी, प्लान बताते रहेंगे, बट ऐसे भी लोग हैं सर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे भी लेडीज है जो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स पे फोकस रहता है उनका, राइट? क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में रील्स वील्स बनानी है, स्टोरी बनानी है, राइट? उसके लिए अच्छा दिखना पड़ता है, अच्छे दिखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो हमारे लिए स्किन फॉर्मूला 9 है, मिस्टर ऑफ मिलान है, तो आरती पटेल की मैडम की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। 25 सर कस्टमर ढूंढ लिए ना हम सब ने, 2500 पीवी तो ऐसी हो जाएगा, राइट? सिर्फ प्रोडक्ट से लेना देना है। और अगर मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं तो डीएपी पे भी नहीं देता, मैं तो एमआरपी पे देता। जो 2500 के जो कंसिस्टेंसी मेरी होती है ना, वो जो 2500 के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, उसको मैं वापरता नहीं था, उसको मैं शेयर करता था 2500 के प्रोडक्ट, या तो रिलेशन बनाने में या तो कस्टमर बनाने में, राइट? और एमआरपी पे ही देता था, राइट? क्योंकि कंपनी ने मेरे को वो दिया है। हालांकि डीएपी डिस्ट्रीब्यूटर एक्विजिशन प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर पे दो, राइट? बट ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो अबाउट द रूल, बट मैं तो कोशिश करूंगा कि एमआरपी पे देने के लिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, राइट? सो उसमें भी जो है मेरा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आप यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 25 कस्टमर बनाइए ताकि आपकी 2500 पीवी ऐसे ही हो जाए, और आपकी खुद की 150-200 पीवी, राइट? 100 पीवी पे ही मत लगे रहिए, ज्यादा से ज्यादा और कंसिस्टेंसी कीजिए ताकि ज्यादा बेनिफिट हो। बट प्रोडक्ट शेयर करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना कि आप डॉक्टर नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट शेयर करने से पहले अपने अपलाइन से पूछो कैसे, पेशेंट को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। अगर नहीं पता तो अपलाइन से पूछो कैसे, ठीक है, सामने वाले को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि
बराबर है, नहीं पता तो खुद से मत ये करो, अगर नहीं पता है तो अपलाइन से पूछो या ट्रेनर से पूछो, बट हेल्थ सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग और एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कभी भी अपना अंदाजा नहीं लगाना। जैसे कि किसी को अगर मान लो बाईपास हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो आपको पता है कि कौन से सप्लीमेंट देना है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे घर पे नोनी और स्पायरुलिना पड़ा है, वो देख के देखता हूँ पता चलेगा पास होगा या फेल होगा, तो ये नहीं होगा। तो आप एक चिकित्सक नहीं हो, ये हमेशा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, करेक्ट। 25 कस्टमर्स बनाइए, 2500 पीवी हो जाएंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से बेसिकली हम लिस्ट मेकिंग के ऊपर और इनविटेशन के ऊपर तो हम ज्यादा बात करेंगे, राइट। मेरे ख्याल से कुछ अगला मेरे ख्याल से रसिका मैडम ने भी कुछ सेशंस रखे हैं लिस्ट मेकिंग के ऊपर है एंड फॉलोअप के भी ऊपर है कि फॉलोअप कैसे लेना चाहिए, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इन्विटेशन के भी दो अलग सेशंस मैंने रखे हैं, एक जो नॉर्मल वीआईपी में जो हम इन्विटेशन बताते हैं यानी कि स्लाइड में, एंड इन्विटेशन अननोन लोगों के साथ कैसे करना है और सोशल मीडिया के थ्रू इन्विटेशन कैसे करना है, इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से दो अलग मॉड्यूल्स हम आगे करेंगे। तो लिस्ट बनानी है, ये तीसरा कदम है वेस्टीज का। मैं सिर्फ आज आपको एक सिस्टम बताऊंगा कि क्या है, राइट। ये लिस्ट बनानी है, पहला पहले यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा मेक अ लिस्ट। लिस्ट आप अपने अपलाइन जैसे बनाते हो उसके हिसाब से भी बना सकते हो, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज है लिस्ट मेकिंग के, वो भी आप देख सकते हो, या तो एक सिंपल फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, या तो इस लिस्ट मेकिंग में अगर आप अपना फॉर्मेट यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट सिस्टम को नहीं तोड़ना है। आप अपना स्किल इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक अ लिस्ट स्टेप को गायब नहीं करना है। अक्सर लोग इसको गायब कर देते हैं कि लिस्ट क्या है, वो तो कोई मिलेगा, मिलने के बाद लिस्ट बनाऊंगा, मिलने के बाद लिस्ट नहीं बनानी होती सर, राइट। याद रखिए जिनको आप जानते हो एटलीस्ट उनकी लिस्ट तो पहले बनाओ, फिर जो धीरे धीरे जो लोग मिलते रहते हैं, अनोन व्यक्ति मिलते रहते हैं, उनकी आप लिस्ट बाद में, उनका नाम बाद में डाल सकते हो, बट लिस्ट बहुत जरूरी है सर। लिस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। लिस्ट मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। इनविटेशन के ऊपर डेफिनेटली हम बात करेंगे, चौथा कदम है इनविटेशन, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल पूरा डिटेल में इसको लेंगे, क्योंकि इनविटेशन मैंने रसिका मैडम से कहा था कि हम अलग ही रखें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो चार कदम अभी तक, 7 में से 4 कदम मैंने आपको बताया है, पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा लिस्ट मेकिंग, चौथा इन्विटेशन, राइट। तो इन्विटेशन के ऊपर डेफिनेटली यस विल फोकस, बट पांचवा कदम अब मैं चाहता हूं इसके ऊपर आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम मीटिंग करते तब पहली बात, जितना आप मीटिंग अटेंड करोगे उतना ही आपकी डाउनलाइंस मीटिंग अटेंड करेगी। मैंने कहा था ना लोग आपको सुनते कम है, आपके एक्शंस को ज्यादा देखते हैं, तो पहले तो डाउनलाइन ये भी देखते हैं कि मेरा अपलाइन कितने मीटिंग में आ रहा है, करेक्ट। ये मीटिंग से पहले जितने भी तैयारी आपको करके रखनी है उतना करके रखिए, जैसे कि कस्टमर के बारे में जानना, डिटेल थोड़ा सा निकालिए कि कस्टमर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये आपको हेल्प करेगा आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में जब आप प्लान बताते हो तब, राइट। अकाउंटेंट है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बात कर सकते हो, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसके हिसाब से बात कर सकते हो, हाउस वाइफ है तो उसके हिसाब से बात कर सकते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए। और ये जब आप रिलेशन बनाते हो अननोन लोगों के साथ, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है, राइट। तो मीटिंग से पहले अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना बुक, डायरी, पेन वगैरह, या जिस पे आप प्लान बताते हो वो आपके साथ है नहीं है, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक आपने बैग में डाली है नहीं डाली है, प्रोडक्ट कैटलॉग है नहीं है, तो जो भी बेसिक चीजें जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं कि प्लान बताते वक्त ये चीजें होनी चाहिए, तो वो एक बार चेकलिस्ट बना लीजिए कभी भी, राइट। एंड भले ही आप प्लान के लिए नहीं जा रहे हो, बट कोशिश करिएगा कि कुछ ना कुछ व्यक्ति रिलेटेड आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि आप ट्रेन में सफर करते हो, बस में सफर करते हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति मिल जाता है, तो उसको एटलीस्ट अगर उसके पास वक्त है तो थोड़ी बहुत चीजें तो एटलीस्ट आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। मीटिंग के दौरान हमेशा एक चीज याद रखना है, नीड के हिसाब से बात करनी है, करेक्ट। मैंने पहले भी कहा था जरूरी नहीं कि हमेशा ज्वाइनिंग है, ये भी देख सकते हो कि क्या मैं इससे प्रोडक्ट से शुरुआत करवा सकता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वेस्टीज में ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की वजह से इस बिजनेस में आए हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, प्रोडक्ट के रिजल्ट विश्वास बढ़ने के बाद आप इस बिजनेस में आए हो, करेक्ट। तो ये क्यों भूल जाते लोग मुझे ये नहीं समझता है कि खुद प्रोडक्ट की वजह से आए, बट फोकस पूरा ज्वाइनिंग पे होना चाहिए, ज्वाइनिंग पे फोकस, क्योंकि ज्वाइनिंग से बिजनेस बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं जब प्लान बताने जाते हो तो नीड थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए कि उससे मैं प्रोडक्ट से शुरुआत करवाऊं या सीधा प्लान बताऊं। तो इसलिए पांचवा कदम जो होता है ना वेस्टीज में,
वो शो द प्लान नहीं होता है, वो मीटिंग होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पांचवा कदम शो द प्लान है, शो द प्लान नहीं है, इट इज मीटिंग। हमेशा याद रखें, तो पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा इन्वाइट करो, पांचवा मीटिंग। मीटिंग के दौरान हमेशा एक चीज याद रखिए कि अगर आप प्लान बताते वक्त सामने वाले को अगर ये एहसास होता है कि आप अपने लिए आए हो, अपने फायदे के लिए आए हो, तो वो आपके प्लान में ध्यान नहीं देगा। अगर मान लीजिए आप मुझे प्लान बताने आए हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आज मान लीजिए नितिन सर आए हैं मुझे कुछ अच्छा बताने के लिए, मेरे लिए आए हैं, मेरा फायदा करने के लिए आए, मतलब मुझे अगर ये एहसास हो जाता है कि आप यार ये सामने वाला जो बंदा है ना यार कुछ तो अच्छा बताएगा, मुझे इसको एक बार देखना है, अगर ऐसी फीलिंग मुझ में आती है तो यस डेफिनेटली मैं आपका प्लान 200% एक्स्ट्रा ध्यान से सुनूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि इसमें मेरे लिए कुछ है। अक्सर लोगों को ये लग जाता है कि आप खाली ज्वाइन करवाने के लिए आए हो या प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो या आप अपने फायदे के लिए आते हो। तो हमेशा याद रखिए, प्लान जब आप बताते हो वो आप अपने लिए नहीं बताते हो, आप सामने वाले के लिए बताते हो। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यही चीज हम भूल जाते हैं, तो ये चीज पे आपको फोकस करना है। अगर सामने वाले को ये एहसास हो गया कि आप उनके लिए आए हो तो प्लान रेशियो हमेशा सफल जाता है। बट सामने वाले को अगर ये लगे कि नहीं यार ये यार आ गया ज्वाइन करवा रहा है, बोलते जा रहा है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो शायद इंटरेस्ट उसका चला जाएगा, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट एक मीटिंग बहुत मुश्किल से मिलती है, ये आप सबको पता है, राइट? तो विश्वास दिलाना है कि आप आज आए हो तो उनके लिए आए हो, राइट? तो ये इस चीज पे हमेशा फोकस करना मीटिंग के दौरान। और जब आप मीटिंग करते हो तो खुद नहीं बोलना है, इट शुड बी अ टू साइड कन्वर्सेशन। जब आप प्लान बताते हो, जब आप प्लान बताते हो तो थोड़ा उससे भी सवाल पूछिए कि अच्छा प्रशांत भाई मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा डायरेक्ट सेलिंग नहीं बता, वही नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, चेन बनाने वाला, राइट? तो कुछ सवाल ऐसे उनसे आप पूछ सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपका क्या कहना है, ताकि मुझे पता चले या जिसको मैं प्लान बता रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितना जानता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों ने कुछ कंपनियां की होती है, वो शुरुआत में नहीं बोलते और प्लान खत्म होने का हमें पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं इधर उधर से आया है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार काश मुझे पहले पता होता तो इतना डिटेल उसको बताता ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गैदर सम इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइज द नीड। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करिए और नीड क्या है वो बता करिए, राइट? मीटिंग के बाद डेफिनेटली ऑब्वियसली ज्वाइनिंग करवाओगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं पहले वो देखिए। सबसे जरूरी चीज वही है कि क्या वो परचेसिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो परचेसिंग के ऊपर फोकस करना है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली जब वो ज्वाइन करेगा तो उसके साथ टीम वर्क करना है। टीम वर्क में हमेशा याद रखिए, कभी भी टीम में पार्शलिटी नहीं करनी है, सभी मेंबर्स को एक जैसा देखना है, कभी भी किसी को फेक कमिटमेंट नहीं करने हैं। एक कमिटमेंट झूठे वादे, अरे आ जाऊंगा बस तू खाली बुला ले और उसके बाद आप गए नहीं। टीम वर्क इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, हमेशा याद रखिए। अपनी टीम को जो आप कमिट करते हो उसको पूरा कीजिए, या तो कमिटमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए, एक बार अपना कल का शेड्यूल देख लीजिए और उसके बाद फिर डिसाइड कीजिए कि आप वो कमिटमेंट पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो कमिटमेंट देने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। टीम में हो सके तो पैसों का लेन देन व्यवहार अगर ना हो तो ही अच्छा है, करेक्ट? बराबर है। ये चीज कुछ पर्सनल चीजें होती है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बट डेफिनेटली अगर मेरी कोई अपनी टीम होती तो मैं पैसों का लेन देन कभी उसमें नहीं रखता, करेक्ट? क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आए हैं, और अपलाइन आपका जो है वो अपलाइन है, हेल्पलाइन नहीं है, करेक्ट? एक क्रिकेटर का जो कोच होता है वो कोच उसको सिखाता है, उसको ट्रेनिंग देता है, बैटिंग कैसी करनी है, क्या करना, उससे बार बार प्रैक्टिस करवाता है। पर जब क्रिकेट मैच होता है तो कोच कभी नहीं जाता है खेलने के लिए, बैट्समैन ही जाता है खेलने के लिए, राइट? तो आपके बिजनेस के बैट्समैन आप हो, आपका अपलाइन एक कोच है, वो गाइड है, वो आपको बताएगा, आपको फॉलो करना है। बट हमेशा याद रखिए राइट चीज फॉलो करनी है, करेक्ट? तो टीम वर्क अच्छे से करिएगा, नो फेक कमिटमेंट, नो पर्सनल रिलेशनशिप। बिजनेस में जितना रिलेशन होता है उतना, नो पैसों का लेन देन, करेक्ट?
हर एक टीम मेंबर्स को एक समान समझिएगा। टीम में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो काम करने के लिए तैयार हो, जो हर चीज करने के लिए तैयार हो, करेक्ट। ये दही हंडी आप लोगों ने कभी बचपन में खेली की होगी, कोई चढ़ा भी होगा इसमें, आपको पता है कि कैसा होता है। नीचे एकदम सबसे स्ट्रांग लोग रहते हैं जिनके शोल्डर स्ट्रांग है, उनके ऊपर फिर लोग चढ़ते हैं थोड़े पतले, फिर उसके ऊपर और थोड़े पतले, और ऊपर एक एंड में बच्चा चढ़ता है जो मट्टी फोड़ता है, राइट। अब यही अगर ऊपर, अगर मैं 110 किलो वाले इंसान को अगर मैं ऊपर भेज दूं तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा सब लोग। तो जैसे एक पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम के साथ चलना है। तो अभी तक 6 स्टेप मैंने आपको बताया, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, शो द प्लान नहीं होता है वो, मीटिंग, टीम वर्क, और बस एंड में जो आता है फॉलोअप, जिसके ऊपर भी हम डिटेल सेशन, जो लिस्ट मेकिंग और फॉलोअप के ऊपर आगे जो हम जो करने वाले हैं मेरे ख्याल से, अगर वो लिस्ट में है या नहीं है मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये फॉलोअप हमेशा याद रखिए। इसके ऊपर मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहले, जरूरी नहीं कि किसी को एक बार प्लान बता दिया, उसने मना कर दिया, प्लान बता दिया उसने मना कर दिया तो उसको वही नहीं छोड़ना है, फॉलो अप करते रहना है। देखिए, जबरदस्ती करने में और फॉलो अप करने में फर्क है। तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, हमें सिर्फ फॉलो अप करना है। प्रेस्टीज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको 1 साल फॉलो अप करने के बाद वो व्यक्ति आया है। प्रेस्टीज में कुछ लोग ऐसे भी है, क्योंकि जब मैं VIP करते रहता हूँ तो मैं लोगों से पूछते रहता हूँ कुछ सवाल, इसके थ्रू मुझे पता चलता है कि एक व्यक्ति उसमें से एक ऐसा भी था जिसने, उसने खुद ने कहा था कि ये मेरे अपलाइन है, 2 साल मेरे से फॉलो अप किए और 2 साल के बाद मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। 2 साल बाद उनको लगा कि यार इतना बोल रहे तो कुछ तो होगा ही। और दूसरा, 2 साल बाद वो जिस व्यक्ति जिसका अपलाइन था उसका जो चेक जो आया, चेक जो बढ़कर आया, वो देखकर भी उन्होंने ज्वाइन किया था। तो हमेशा याद रखिए, जब इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि लिस्ट में आपके नंबर्स रहते हैं। क्योंकि मोबाइल में एक बार आप सेव करने के बाद भी कभी कभार क्या होता है कि आप नाम ही भूल जाते हो तो नंबर कहाँ से देखोगे। तो जब आप लिस्ट में कुछ चीजें लिखते हो तो हमेशा याद रखिए, फॉलो अप इज मस्ट। फिर चाहे उसको 1 साल लगे, 2 साल लगे, आपको कहीं ना कहीं फॉलो अप करते रहना है। अब फॉलो अप कैसे करना है? कुछ नया प्रोडक्ट आ गया, फोन किया, उनको बताया कि सर व्हाट्सएप पे मैंने आपको हमारे एक नए प्रोडक्ट का फोटो भेजा है, ठीक है, आप मेरे लिए स्पेशल हो, राइट, आप मेरे स्पेशल कस्टमर हो, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार आपको फोन करके जो है मैं रिमाइंड करवा दूं सर कि अगर आपके अलावा भी अगर इस प्रोडक्ट की अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। अभी जैसे कि बीच में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, एक यूरिन कंट्रोल कैप्सूल, तो आप अपने कस्टमर को एक नॉर्मली फोन कर सकते हो। पहले तो फोन करके हालचाल पूछोगे, सर कैसे हो, सब बढ़िया, सर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजा है सर। प्रेस्टीज ने, हमारे कंपनी ने एक बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक बढ़िया सा एक सप्लीमेंट लॉन्च की है जिसका नाम है यू कंट्रोल, राइट, यूरिन कंट्रोल, जो उसका जो नाम, जो प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ था बीच में। तो सर ये प्रोडक्ट, जस्ट मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, हो सकता है आपके आस पड़ोस में या किसी को या फैमिली में, आई डोंट नो, बट हो सकता है ये प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो मैं सोचा कि आपको इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी 2-3 डिटेल बता दूं। ये प्रोडक्ट जो है सर ये चीजों के लिए काम आता है, राइट, अगर आपके जान पहचान में अगर कोई है किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरा नंबर तो है ही आपके पास, राइट। तो उम्मीद करता हूँ सर सब बढ़िया चल रहा है, थैंक यू सर, ठीक है, मिलते। ये इतना सा एक कर्टेसी कॉल आप कर सकते हो, राइट, बट लोग करते नहीं, हमें अक्सर लगता है कि इसने ना बोल दिया मतलब उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है बिजनेस में, फॉलो अप इज मस्ट। ना बोल दिया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट व्हाट्सएप नंबर है, शेयर तो कर ही सकते हैं, और हर रोज फोन नहीं करना है। जैसे कि एक बार यू कंट्रोल के बारे में बता दिया, एक सप्लीमेंट के बारे में बता दिया, उसके हर रोज फोन नहीं करना है, सर मिला कोई है कोई इसको है, कोई है प्रॉब्लम है किसको, यूरिन की तकलीफ है कोई है, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने बता दिया, एक बार आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, फोन पे चीजें बता दी, एक मैसेज बना के उसको टाइप करके भेज दिया कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, क्यों है ये प्रोडक्ट, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको अगर क्या प्रॉब्लम है तो कौन से प्रॉब्लम में काम आएगा, बस इतना सा एक मैसेज लिख के। और वेस्टीज की तरफ से जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, एक प्रोडक्ट नया आता है, तो उसका एक अच्छा सा पोस्टर बना के तो मिलता ही है, तो पोस्टर भी हमें नहीं बनाना है,
तो वो पोस्टर खाली आपको जो है वो अपलोड कर देना है, दैट्स इट। और उसके बारे में जो डिटेल्स, जो ट्रेनिंग होती है उस प्रोडक्ट के बारे में, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में जो ट्रेनिंग होती है उसको अटेंड कीजिए, लिखिए पॉइंट्स और अपना मैसेज बना के भेज सकते हैं। ये छोटी सी चीज करने से सर क्या होता है पता है, सामने वाले को भी लगता है कि यार बंदा जेन्युइन है और कम से कम मुझे याद तो करता है, मैंने उसको मना किया है बट फिर भी कुछ अच्छे प्रोडक्ट लाकर मुझे फोन करता है और मुझे बताता है और मुझे मैसेज भी करता है। कहीं ना कहीं याद रखिए सर कि ऑर्डर्स कहीं से भी आते हैं, बस हमें सिर्फ करना है फॉलो अप। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने आपको फॉलो अप करने का, भले ही बंदा ना बोला है कोई बात नहीं, और जैसे वो कभी ना बोल देते कि नहीं ऐसा है सचिन जी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे उसमें बुरा क्या मानना है सर जी, कोई बात नहीं, राइट। जरूरी थोड़ी नहीं कि जो चीज मुझे अच्छी लगी वो आपको भी अच्छी लग सकती हो, या जरूरी थोड़ी नहीं कि आज आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो हमेशा अच्छी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं सर, टेक योर टाइम, मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा सर। हाँ बट इतना है सर, कभी अगर कुछ वेस्टीज में कोई नया प्रोडक्ट आ जाएंगे, आप मेरे ऑब्वियसली आप मेरे स्पेशल कस्टमर्स के आप लिस्ट में हो, राइट, कभी अगर कुछ नया प्रोडक्ट आ जाए सर तो मैं हो सकता है कि शायद महीने में एक आध बार या दो महीने में एक आध बार आपको एक फोन करके खाली एक इन्फॉर्म कर दूंगा उस प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है आपको या किसी आस पास के लोगों को वो प्रोडक्ट काम आ जाए, राइट, या तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। इतना उसको पहले ही से बोल के रखिएगा ताकि उसको पता चले कि ना बोलने के बाद भी कभी ना कभी एक महीने में दो महीने में मेरा फोन आपको आएगा। याद रखिए व्यवहार बना के रखिए, एक न एक दिन व्यापार जरूर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे कदम, ये फॉलो अप अक्सर लोग भूल जाते हैं, लोग डरते भी है फॉलो अप करने के लिए, पता नहीं नोनी दिया था क्या हुआ होगा, राइट। तो डरिएगा मत, ऑलवेज बिंदास फॉलो करिए, इस बिजनेस में डर के लिए कोई जगह नहीं। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है हमेशा, 7 स्टेप फॉलो करने हैं, राइट, दिस इज अ मस्ट। यही 7 स्टेप फॉलो करके लोगों ने अपनी लाइफ को सफल बनाया है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, इन्विटेशन, राइट, मीटिंग, टीम वर्क एंड फॉलो अप, ये चीजों पे ध्यान देना है। लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाते रहिए, लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप आगे चल के कुछ ऐसे कस्टमर्स का कॉन्टेक्ट नंबर भूल जाते हो जिसको आप 6 महीने पहले मिली हो, 1 साल पहले मिली हो या 1.5 साल पहले मिली हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जिनको कुछ कस्टमर्स के नाम तक याद नहीं रहेंगे जिनको आप 1.5 साल पहले मिले हो या 1 साल पहले मिले हो। अगर वो लिस्ट बना के रखते तो कहीं ना कहीं उसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ होता। कॉन्टैक्ट नंबर अगर मान लो नहीं लिखा होता तो कहीं ना कहीं फेसबुक से ढूंढ लेते थे, और आज कहीं ना कहीं एक कस्टमर लिस्ट बनाने में आपको एक हेल्प हो जाती। तो लिस्ट मेकिंग इज मच इम्पॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि एक बार जो आपकी अपलाइन की जो लिस्ट है वो एक बार देखिए, या तो फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स है लिस्ट मेकिंग को लेकर, वो देखकर आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट बहुत जरूरी है, और डेफिनेटली फॉलो अप, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया है, ऑलवेज नए प्रोडक्ट के साथ उनको पिच करिएगा, स्टेटस पे नए प्रोडक्ट अपलोड कीजिएगा, देखिएगा वो बंदा आपका स्टेटस देख रहा है नहीं देख रहा है। आजकल ये सारी चीजें भी हमें पता चलती है कि कितने लोगों ने हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखी है, कितने लोगों ने व्हाट्सएप का स्टेटस देखा है, ये चीज भी जो है वो आप पता कर सकते हो। तो जिससे आपको पता चले कि आपका प्रोस्पेक्ट आपका स्टेटस देख रहा है नहीं देख रहा है, हो सके तो जैसे आप जिससे मिलते हो, राइट, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उसके साथ जब आप टच हो जाते हो तो काफी बेहतर हो जाता है, तो आपको फॉलो अप करने में आसानी मिल जाती है, ठीक है। तो फेसबुक याद रखिए, व्हाट्सएप स्टेटस याद रखिए, व्हाट्सएप पे नए प्रोडक्ट उसको प्रमोट करना, पर्सनली कॉल करना, बताना सर ये प्रोडक्ट इसके लिए है, अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो सर आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हो, राइट, ये प्रोडक्ट के लिए मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, थोड़ा सा 2-3 लाइन अगर उसको बोल देते तो उसको भी अच्छा लगता है। तो इसे कहते हैं, वो बोलते ना आजकल बहुत एक चीज लोग हमेशा ध्यान रखते हैं, अगर कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो ये भी देखते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस बंदा कैसी दे रहा है। तो ये चीज फॉलो अप इज मस्ट। फॉलो अप के लिए पहले तो नाम याद होना चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, राइट, ये तीनों चीजें नहीं है, अक्सर इससे लोग फॉलो अप नहीं कर पाते, या तो लोग फॉलो अप करने से डरते हैं। बंदे ने एक बार मना कर दिया तो उसका मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता है वो, बराबर है। आप में से बहुत से लोगों ने, हो सकता है शायद लव मैरिज की हो तो आपको पता है कि एक बार ना मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता है, करेक्ट।
सो नेवर लूज होप. फॉलो अप एक साल भी चलता है, दो साल भी चलता है, एक महीना भी चलता है, दो महीना भी चलता है, ठीक है. जब तक बंदा आपके सामने ऐसा हाथ ना जोड़ दे भाई मत किया कर फोन, प्लीज हाथ जोड़ दो उधर है, उसके बाद फॉलो अप बंद, ठीक है. लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक फॉलो अप करते रहना है सर. याद रखो आप एक व्यापारी हो, ऊपर से आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, राइट. तो एक बार ना मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता. और प्लीज इस बिजनेस में ईगो मत लाइएगा. अच्छा उसने मुझे मना किया, अब तो उसके घर के सामने मैं मर्सिडीज खड़ी रख के बताऊंगा. मर्सिडीज जरूर खड़ी रखिएगा, पर मर्सिडीज अगर वो आ जाए, वो जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो आ जाए, तो और ज्यादा जल्दी भी आ सकती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है. तो इन चीजों के ऊपर, सात स्टेप के ऊपर हमेशा फोकस करना है. फॉलो अप इज मस्ट. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं. प्रोडक्ट इज द बेस्ट वे टू डू फॉलो अप, ठीक है. तो इसी के साथ ये हमारे सात स्टेप कंप्लीट होते हैं. डिटेल हम इनविटेशन के ऊपर हम नेक्स्ट मॉड्यूल जरूर करेंगे, राइट. मेरे ख्याल से कल या परसों में ही है, या उससे पहले मिस्टेक्स है कि कौन कौन सी गलतियां होती है. और उसके बाद इनविटेशन का जो मॉड्यूल है वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. पहले तो ये जो वीआईपी के जो स्टेप्स मैंने फॉरवर्ड किए थे इनविटेशन के वो, और दूसरे मॉडल में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक के माध्यम से कैसे इनवाइट किया जाता है, प्लस अननोन लोगों से कैसे बात की जाती है, कैसे बातचीत की शुरुआत आप कर सकते हो, करेक्ट. तो चलिए इसी के साथ सेवन स्टेप्स आज कंप्लीट हो जाते हैं. याद रखिए पांचवा कदम शोधा प्लान नहीं है, पांचवा कदम मीटिंग है, ठीक है. तो इन चीजों पर फोकस करना है. थैंक यू सो मच रसिक मैम, थैंक यू शार्दुला मैम, ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल. थैंक यू. थैंक यू सो मच सचिन जी, थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आज का ट्रेनिंग रहा है. एंड मुझे क्लैरिटी आ रही है कि बहुत बार मैंने भी खुद ने वीआईपी अटेंड किया है, बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी है, और बार 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 हम जब सीखते रहते हैं तब डेफिनेटली वो माइंड में एकदम छप जाता है, माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाती है उस चीज की. एंड फिर डेफिनेटली डेली हमें इम्प्रूवमेंट होते रहता है, राइट. क्योंकि हर चीज एकदम से ही नहीं आएगी, एक बार सुन के एक बार समझ के नहीं आएगी, राइट. तो थैंक यू सो मच सचिन जी, आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही बढ़िया रहा. एंड आज सुबह सुबह हम कल से जो सॉन्ग सुन रहे हैं विजयी भव, मुझे लगता है सुबह जब 5 बजे हम ये सॉन्ग सुन रहे हैं, 6 बजे ये सॉन्ग सुन रहे हैं, तब हमारे माइंड में दिन में कभी भी हम देख रहे हैं, कभी भी जैसे ही माइंड ओपन होता है तब हमारे माइंड में यही आ रहा है विजयी भव, राइट. तो एक सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक है ये भी, कि जैसे विजयी भव विजयी भव विजयी भव कोई हमें ब्लेस कर रहा है कि आप मीटिंग के लिए निकलो विजयी भव, राइट. आप किसी को प्रोडक्ट देने के लिए निकलो विजयी भव. तो ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए जो सुबह से आपके माइंड में घूमती रहेगी. और आपने अगर ये सॉन्ग सुना होगा पूरा, मतलब डिटेल में सुना होगा, हर वर्ड सुना होगा, तो ये इसमें अभी आज क्लोजिंग में भी सुनेंगे इसको, राइट. तो संकल्प हम जब करके निकले हैं कि हम विजयी होंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि विजयी होना. उसके लिए 3 मीटिंग डेली करना, 5 लोगों से डेली कॉल पे 5-10 लोगों से बात करना, राइट. तो ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वेस्टीज का जो बिजनेस है वो डेली करना है. मतलब कभी किया कभी नहीं किया, आज किया कल नहीं किया परसों किया, तो हम जो सोच लेके चल रहे हैं वैसे पैसा नहीं आएगा, राइट. तो डेली काम करना पड़ेगा, चाहे आप 1 घंटा करो चाहे आप 2 घंटा करो, लेकिन डेली आप आपका शेड्यूल आपके बाकी शेड्यूल से वेस्टीज का एक शेड्यूल अलग से रखिए, और वो शेड्यूल में हम प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा पैसा आएगा, राइट. अभी और एक बात मैं अपडेट करना चाहती हूँ कि जिनके भी हम हर मीटिंग में सुनते हैं कि आप वीडियो ओपन करिए, वीडियो में आप आज स्पेशली आपको एक टेक्निक बताना चाहती हूँ, राइट. ये टेक्निक ऐसा है कि वीडियो हम खुद के लिए ओपन कर रहे हैं, राइट. आपका अपलाइन या आपके ट्रेनर, उनकी रिस्पेक्ट, ये तो बहुत बात की बात हुई. हम चाहते हैं कि हम विजयी हो, हम चाहते हैं हम कॉन्सेंट्रेट रहे, नहीं तो हम सो के भी देख सकते हैं ना मीटिंग. अभी जिनके वीडियो बंद है, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे लेटे लेटे सुन रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कोई भी लड़ाई ऐसे लेटे लेटे जीती जा सकती है क्या? आपको ऐसे लगता है कि अगर हम सीरियस नहीं है अपने ड्रीम के लिए, तो आपका अपलाइन आपको 2 लाख 5 लाख दे पाएगा क्या? आपको ऐसा लगता है कि हमने 6 बजे सीरियस होना चाहिए
क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, आपका अपलाइन बुला रहा है इसके लिए अगर आप आ रहे हो तो आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि जैसे विकी सर हमेशा बताते हैं कि अपने 20 लोगों को चुनो, राइट? आपके 20 कोर टीम जिनको आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख पर मंथ तक लेके जाना है, बड़ी इनकम पे लेके जाना है, वो 20 कौन है ये मैं भी ढूंढ रही हूँ, ये आप भी ढूंढिए आपकी टीम में कौन जो सीरियस लोग है, राइट? नहीं तो आप एंटर होंगे, बस चेहरा दिखाएंगे, फिर वीडियो बंद कर देंगे। ये आपके लिए है। आज से हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आप वीडियो ऑन रखिए, आप कमिटेड रहिए, आप डायरी पेन लेके रहिए, क्योंकि ये सारा हम सिखाना चाहते हैं आपको कि बड़ा पैसा कैसे आता है। अगर आज आप 10,000 कमा रहे हो तो 20,000 कैसे आए, 20,000 कमा रहे हो तो 50,000 कैसे आए, 50,000 कमा रहे हो तो 1 लाख कैसे है, राइट? और 1 लाख कमा रहे हो तो 5 लाख, 10 लाख कैसे है। हम सिखाना चाहते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं, राइट? हम भी सीख रहे हैं, राइट? तो अगर आप सीरियस हो तो आप अपने लिए सीरियस हो जाओ। कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा कि सुबह 6 बजे आपको कॉल करके उठाया जाएगा, 5:30 बजे कॉल करके उठाया जाएगा, फिर आप एंटर हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है, राइट? तो आप सीरियस हो जाओ अपने ड्रीम के लिए, आपके ड्रीम स्ट्रांग बनाओ आप। इसका भी एक सेशन हम प्लान करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो मैंने कल बताया था कि 3 लोगों को जिन्होंने भी आज एंटर किया है, प्लीज अपने अपने नाम, जिनको एंटर किया आपने आज, राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही जबरदस्त काम किया है आपने, क्योंकि यही काम करना है, राइट? ये एक छोटा सा माइन्यूट स्टेप है कि आपने कमिटमेंट ली 3 लोगों को एंटर करना है और आपने कर दिया, राइट? आपने गिव अप नहीं किया, आपने कोशिश की। तो ये 3 लोगों के नाम के साथ आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करिए, उनके लिए कुछ, मतलब अभी बहुत सारी चीजें हम करने वाले, बहुत सारी चीजें करने वाले, राइट? हमने जो 300 पीवी का क्लब रखा है उसका भी थोड़ा सा गौर करिए। 300 क्लब ऑलरेडी ग्रुप पे आ चुका है, 300 क्लब के लिए हम क्या कर रहे हैं वो भी आ चुका है, राइट? तो वो भी करिए। लीजन क्लब पे फोकस करिए। लीजन क्लब अगर आपको पता नहीं है तो लीजन क्लब आप आपके अपलायंस से जरूर समझिए, क्योंकि लीजन क्लब के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 महीने में आप 1.5 लाख पर मंथ तक कमा सकते हो, राइट? और इसके साथ साथ और एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप आपके नाम के साथ एंटर हो जाइए, क्योंकि आज मैंने बहुत जगह क्वेश्चन मार्क डाले, आपने देखा होगा, वीवो और कुछ ओप्पो ऐसे नाम से एंटर हो जाते हैं हम। हमारा नाम वीवो ओप्पो नहीं है, हमारा एप्पल नाम नहीं है, राइट? तो हमारा जो भी नाम है उस नाम से अगर हम एंटर होंगे तो आपको, आप एंटर हुए हो ये समझेंगे डेफिनेटली, राइट? ओवर टू शार्दुला मैम। यस, थैंक यू सो मच। और आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग रहा। मैं यहाँ पे सचिन सर को यहाँ पे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि एक कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स आके बीइंग अ कंपनी ट्रेनर, ये ट्रेनिंग अर्ली मॉर्निंग में देना, क्योंकि इट इज लाइक अ चैलेंज कुछ लोगों के लिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना। तो जो लोग रात को ज्यादा काम करते हैं वो लोग सुबह ऑफकोर्स थोड़ा सा लेट उठते, बट हमने एक कसम खाई है सभी ने कि हम लोग जल्दी भी उठेंगे। तो उसी में अगर एक ट्रेनर अगर इतना डेडिकेशन के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग आके हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं एक एक घंटे का, तो जरूर हम खुद वीडियो के ऊपर तो एटलीस्ट बैठ ही सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आज का सेशन जो था बहुत ही अमेजिंग रहा, और जो हाउ टू डू, कैसे करना है, क्योंकि हमें बोलते बहुत कुछ है लोग कि गोल सेट करो, क्यों करो, ये सारी चीजें बोलते हैं, बट कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जितना ज्यादा हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी है, हमें इम्प्लीमेंट करनी है। कहते हैं कि करेक्शन से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप अपने आप को कितना करेक्ट करते रहोगे तो भी कुछ छूट ही जाएगा, बट अगर आप एक्शन में रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली सक्सेस डेफिनेटली हमें मिलने वाली है। तो एट दी एंड यहाँ पे जो आज का हमारा सेशन रहा उसमें बहुत ही अच्छी जो 7 बेसिक स्टेप्स है उसको हमने देखा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी स्टेप्स है और इसी को फॉलो करना जरूरी है। आप कहोगे कि नहीं नहीं स्टेप 1 है, मैं इसको नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं स्टेप 3 पे चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो इट इज लाइक कि ये पूरा नहीं हो पाएगा। आप वो पास जो होना है ना, हमें 35% के नीचे अगर हमें स्कूल में आ जाते हैं या कॉलेज में आ जाते हैं तो फेलियर आता है। तो वैसा ही अगर इन 7 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को आप वो कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग ग्रोथ को एक्सपेक्ट करें। और किसी के
कंधे के ऊपर बंदूक रख के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, बट आपको एक टीम वर्क के साथ अगर आप किसी चीज को करते हो तो डेफिनेटली हमें यू नो वो अचीवमेंट मिलती है। और आप कह रहे हो कि सारी चीजें आपके कोई आपके यहाँ पे आके सारी चीजें अच्छे से ठीक से सब कुछ आपको दे दे, That is not possible. आपको खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद के हथियार खुद लेने पड़ेंगे। जैसे हम हथियार किसको कहते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस टूल्स को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है हमारे ट्रेनिंग्स। और आप सभी लोग जैसे जानते हो कि हमारे ट्रेनिंग्स अभी कंटिन्यूसली अर्ली मॉर्निंग भी हो रहे हैं। जैसे हम अगले 7 दिन, अभी 1 दिन ऑलरेडी हो गया, हमारा विजय दिवस 1 हो गया, आज हमारा विजय दिवस 2 है, और आगे जो हमारे दिन है टोटल 7 डेज रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारे नॉट ओनली ये अर्ली मॉर्निंग्स के सेशंस आपको सुनने, बट उसी के साथ साथ दिन भर इन सेशन को सुनने के बाद जो यहाँ पे बोला जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको जाके बताना है लोगों को, लोगों से बात करनी है। और उसी के साथ साथ कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसके बारे में जरूर यहाँ पे आपको कल का पोस्टर में यहाँ पे शो करना चाहूंगी, विजय दिवस 3 जो कल रहेगा सुबह 6 बजे। लोगों की लिस्ट कैसे बनाऊं, फॉलो निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी, मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करने के बावजूद भी जैसा मैं चाहूं वैसा नतीजा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, रिजल्ट मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं, इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो पुराने टेक्निक्स हम लोग लिस्ट बिल्ड करने में यूज कर रहे थे ना, वो आज के समय में कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस उसको उसमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो सारी चीजें चेंज हो रही है, नॉट ओनली लाइक कि हम हमारी दुनिया चेंज हो गई है, ऑनलाइन आ गई है, बच्चों को स्कूल भी तो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो वैसे ही अभी आज मैं अगर बात करूं तो लिस्ट मेकिंग में हमें अपने आप को भी मॉनिटर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है आपने नाम लिख दिए बस हो गया, पुराने टेक्निक्स काम नहीं करेंगे, कुछ नए टेक्निक्स हमें कल पता चलने वाले हैं। और एक चीज यहाँ पे कही जाती है, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही थी फ्रेंड्स, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑनलाइन तो योर बिजनेस इज आउट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो मार्केट में ट्रेंड है ना वहां से ये बिजनेस पूरा आउट ऑफ द बिजनेस चला जाएगा। सो दिस इज द टाइम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि आप अगर 4 लोगों के साथ रह नहीं सकते हो तो आप बिल्कुल किसी अच्छे बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते हो। आपका काम काउंटर के अंदर का काम नहीं है, आपका काम आपके टीम के अंदर जाके लोगों के साथ घुलना मिलना, ये आपका काम है। तो यहाँ पे जरूर हम कहीं ना कहीं अपने लिस्ट को एग्जॉस्ट करके रख देते हैं, हम लिस्ट डायरी के ऊपर बनाना नहीं चाहते हैं, तो ये चीज को हमें कैसे करना है ये बहुत जरूरी है, तो वो हम कल जानने वाले हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए कि कैसे हम रिटेंशन पे भी काम करें, कि लोग ज्वाइन तो हो रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी टीम है अच्छी खासी, बट लोग यू नो रिटेन नहीं कर पा रहे, लोग रह नहीं रहे आपके साथ कंटिन्यूटी में, तो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या आपका होल्ड कहाँ पे छूट रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी हम जरूर काम करेंगे आगे। सो यस, यहाँ पे एट द एंड जरूर आप सभी को मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूंगी, और यही कहना चाहूंगी जैसे हमारा ये थीम है कि स्वराज्य विजयी भव, मतलब हमें जीतना है, और आज का दिन है जहाँ पे आप अपने आप को यू नो जिताओगे, आप एकदम यू नो विनर बन जाओगे। तो आज का जो हमारा शेड्यूल रहेगा, इस सेशन के बाद आप क्या करने वाले हो, एक्सरसाइज करने वाले हो, और एक्सरसाइज करने के बाद जो रिफ्रेशमेंट आपको मिलेगी उसमें जरूर आप 10 मिनट मेडिटेट करें, अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें, अगर आपको प्रॉपर मेडिटेशन शेड्यूल फॉलो करना नहीं आता है, सो यू कैन गो ऑन अ यूट्यूब, किसी मेडिटेशन को आप चला लीजिए, किसी एक साउंड को आप चला लीजिए, क्योंकि साउंड भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेडिटेशन के अंदर, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको मिलेगा साइलेंस में। सो यस, थैंक यू सो मच, और जरूर आप कल अपने मिशन को लीजिए कि आप जरूर एक व्यक्ति को मिनिमम आपको इनवाइट करना है, अगर आप ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे तो आपका ही फायदा है, जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए स्वराज्य के सेशन में आपका यहाँ पे आने के लिए। दिल से मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अब
अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन।